नहीं हो, क्योंकि आप चले गए थे बनारस। क्या कहना चाहेंगे बनारस के एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत अद्भुत, क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव बाबा विश्वनाथ का वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो साल की शुरुआत में मन था कि उन्हें धन्यवाद देकर आए कि देवाधिदेव महादेव, आपने जैसा जीवन दिया, जो जीवन दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद कहने के लिए गए थे। और बनारस तो वैसे भी हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, क्योंकि बनारस के अंदर जो उपलब्ध है वो आपको भारतवर्ष के हर जगह, जो आध्यात्मिक चेतना है उसका गढ़ है बनारस, तो वो हमारे भारतवर्ष में हर कहीं उपलब्ध आपको मिल जाएगा। कोई विश मांगे हैं 2019 के लिए खास तौर पे, क्योंकि बिल्कुल नहीं, धन्यवाद करने गए थे हम ये बोल सकते सिर्फ 2018 के लिए? सिर्फ धन्यवाद करने के लिए गए थे कि बड़ी कृपा है आपकी कि आप बिना मांगे वो सब कुछ हमें दे देते हैं जो हमारे लिए हितकर है। क्योंकि मांग का संबंध होता है कि हम मांगते वही हैं जो आपको प्रिय होता है, लेकिन हम सिर्फ प्रिय को जानते हैं, हम ये नहीं, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए हितकर क्या है। और परमात्मा हमारा प्रिय करें या ना करें, लेकिन हमारा हितकर ज़रूर करते हैं। तो जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो बिना मांगे दे देते हैं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम कुछ फोटोज़ देख रहे थे, उसमें आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। एक आर्टिकल था जहाँ पे पुलिस शायद पुलिस स्टेशन जाके विजिट भी किए हैं, तो वहाँ का किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्या माहौल था? देखिए क्या होता है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो समाज के हर वर्ग से के साथ सहज हूँ, और सहजता के साथ, और लोग मुझसे सहज होते हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि हम सब और आप सब शेष समाज के लोग हैं, और जब शेष लोग मिलते हैं तभी वो शेष लोग मिलकर ही किसी को विशेष बनाते हैं। तो ये आपके ही द्वारा दी गई विशेषता है, और अगर आप मुझे प्रेम पूर्वक आत्मीयता के साथ अगर मुझे आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि यदि समय है तो निश्चित रूप से हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो अपनी विशेषता से हमें विशेष बनाते हैं। तो मैं इसलिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो आमजन हों, क्योंकि उस आमजन का हिस्सा एक हम भी हैं, चाहे वो साधु संतों की टोली हो, क्योंकि बनारस या इलाहाबाद ये हमारे आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, और यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ का प्रत्येक कण एक हिसाब से जागरूक और आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है। तो क्या वहां पे सिम्बा की बातें हुई पुलिस स्टेशन में? देखिए बहुत सब सबने बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि सिम्बा जो है वो तो पुलिस स्टोरी है, तो जो लोग भी देख रहे हैं सिम्बा को बहुत सराह रहे हैं, और ये हम सबके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सिम्बा को रिलीज़ हुए एक हफ्ता हुआ है और 250 करोड़ के ऊपर का उसने मकाम हासिल कर लिया है। तो ये आनंद का विषय होता है कि जब आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा काम एक बड़े समुदाय और बड़े समाज तक पहुँचता है। 3 फिल्में रिलीज हुई, धड़क, मुल्क, और ये तीनों अलग स्टोरी थी, तीनों टोटली अलग थी। सर, सबसे फेवरेट कौन सी थी आपकी तीनों में से, अगर किसी एक को चूज किया जाए? देखिए बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है कि अगर आप मुझसे कहें कि आपको दायां हाथ अच्छा लगता है कि बायां हाथ अच्छा लगता है, इन दोनों हाथों की उपयोगिता है जैसे इन 10 उंगलियों की उपयोगिता हमारे हाथ में होती है, वैसे ही मेरा ये मानना होता है कि अभिनेता, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, वही काम करता है जो काम उसे अच्छा लगता है। और ये भाग्य की बात है कि धड़क, मुल्क और सिम्बा, ये तीनों ही अलग अलग किस्म की फिल्में थीं, और इन तीनों फिल्मों में ही मेरे हिस्से में बिल्कुल कम्प्लीटली अलग अलग कैरेक्टर्स आए। तो ये हर एक्टर के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि उसे भिन्न भिन्न पर किस्म तीनों के फिल्म में किरदार, मैसेज भी दिए कुछ ना और कुछ। तीनों फिल्मों के अंदर एक किस्म का संदेश था, तीनों फिल्मों के अंदर मनोरंजन था, और तीनों ही फिल्में सुपरहिट हुई, और तीनों ही फिल्मों में अलग अलग किस्म के किरदार हमें करने मिले। अन्यथा हर एक्टर को अपने आप को रिपीट करना पड़ता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे निरंतर विभिन्न किस्म के किरदारों को करते रहने का मौका मिला और रिपीट करने का अवसर नहीं मिला। जाह्नवी और सारा के बीच में कंपटीशन लोग मानते हैं, काफी कमेंट्स आते हैं कि सारा वेस्ट है, जाह्नवी वेस्ट है। आपको क्या लगता है दोनों में से, क्योंकि दोनों के साथ आपने काम किया है? मैं तुलना नहीं करता, और मेरा ये मानना है कि हर संसार का हर व्यक्ति अतुलनीय होता है। हम और आप सब परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, और परमात्मा ने कभी किसी व्यक्ति का मैच बनाया ही नहीं है, सब लोग अतुलनीय होते हैं। तो इसलिए तुलना अपने आप में करके, हम व्यक्तियों के बीच में तुलना करके हम परमात्मा के क्रिएशन को छोटा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सारा की अपनी खूबसूरती है, जाह्नवी का अपना सौंदर्य है, तो इन दोनों सौंदर्य के बीच में, इन दोनों की सुंदरता के बीच में, इन दोनों की कुशलता के बीच में, इन दोनों की प्रतिभा के बीच में कहीं कोई तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं तुलना के पक्ष में कभी भी नहीं रहा। इन दोनों की अगर एक एक खास बात जो हमसे शेयर कर सके आप, सारा और जाह्नवी,
देखिए, आज के दौर में किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे खास होता है अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त होकर धैर्य के साथ पूरी मेहनत के साथ अपना 100% डाल देना। और इन दोनों ही लड़कियों के अंदर मुझे वो देखने के लिए मिला कि ये दोनों ही अपने काम को लेकर बड़ी सजग हैं, सतर्क हैं और 100% अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा सोन चिड़िया भी आ रही है, कितना एक्साइटेड है। चंबल नॉर्मली जो डाकू डाकू का इलाका माना जाता है, उसी से फेमस है, वहाँ पे शूटिंग की है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और इस फिल्म के बाद क्या सोच बदलेंगे लोगों की? मेरा ये मानना है कि सोन चिरैया जो है वो अपने आप में एक बड़ी अद्भुत और अनोखी फिल्म होने वाली है, कि जैसे सिम्बा ने 2018 की समाप्ति या विदाई बड़े बिग बैंग के साथ की है, वैसे ही सोन चिरैया 2019 की शुरुआत भी बिग बैंग के साथ करेंगी। क्योंकि इसमें इस फिल्म की का रोमांच तो एक अद्भुत है ही, इस फिल्म की हर चीज़ बड़ी रोमांचक है। इसकी कथा वस्तु से लेके, इसके अभिनेताओं के अभिनय से लेके, इसके निर्देशन से लेके, गीत संगीत से लेके, इसकी टोपोग्राफी, इसकी फिल्मोग्राफी से लेके और इसके एक्शन से लेके, तो एक हिसाब से अपने आप में जैसे कि धड़क में एक मैसेज था लेकिन मनोरंजन भी था, मुल्क में एक संदेश था लेकिन मनोरंजन भी था, सिम्बा में एक संदेश था लेकिन मनोरंजन भी था, ऐसे ही सोन चिरैया के अंदर भी एक संदेश है लेकिन साथ में मनोरंजन भी भरपूर है। मीन्स टोटल पैकेज देंगे ऑडियंस को, हम ये बोल सकते हैं इस फिल्म बिल्कुल में। बिल्कुल, आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि इसमें सोन चिरैया में अगर आप देखेंगे तो मनोज वाजपेयी जैसे कुशल अभिनेता हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिनका कॉमन काम ही थीम उनका नाम है, उसमें आप सुशांत सिंह जैसे कुशल अभिनेता को देखेंगे, उसमें रणवीर शौरी हैं, उसमें भूमि पेडनेकर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो निर्देशक हैं अभिषेक चौबे, वो अपने आप में बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा ही अनोखा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला निर्देशक है। तो जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से संजोया है और बहुत अच्छे से कैप्चर हुई है ये चीज़ें। फाइनली सर, दो क्वेश्चन। कहीं ना कहीं उस एक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है, पहले ट्रोल करते थे सोशल मीडिया पे, अब ये पॉलिटिक्स, ये अभी एक पॉलिटिक्स के लिए एक मुद्दा बन गया, हम ये बोल सकते हैं। जैसे कि नसरुद्दीन शाह को जो इशू हुआ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे नेता हो या अभिनेता, जात जात में जात है और जात जात में जात, और अभिनेता जात अजात है वो सब जातन में जात, कि हम और आप जो लोग हैं ये समाज की ही निर्मिति होते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो। तो समाज अगर अपनी निर्मिति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है, समाज अगर अपनी निर्मिति को ही कटघरे में खड़ा करती है, तो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो निर्मिति का कहीं ना कहीं पुनर्मूल्यांकन होता है और दूसरा समाज का भी पुनर्मूल्यांकन होता है। आपने बनाया है, हमें आनंद आया, आप बिगाड़ेंगे, हम आनंदित हैं। फाइनली फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सुन सीरिया और एक और आ रही है, दो फिल्में आ रही है आपकी बैक टू बैक अभी। जी, बस मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जब आप घर से चलते हैं तो हम सिनेमा हॉल में चल पड़ते हैं, आप अपना शेष हमें देते हैं तो हम विशेष हो जाते हैं, आप जब अपने घर के पैसे खर्च करते हैं तो हमारी कीमत बढ़ जाती है। तो बड़ी आपने कृपा हमारे ऊपर बनाए रखी है, ऐसे ही आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें और हम कभी भी आपके स्नेह और आशीर्वाद का दुरुपयोग ना कर सकें, ऐसी परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करें। आप देखिए।